गाइडलाइंस जो कि निकाली गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगेन पीआईएल के रिस्पेक्ट में, वो भी हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो प्रिंसिपल ऑफ पीआईएल में सबसे पहले बताया गया है कि द कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एंटरटेन अ पिटीशन फाइल्ड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल हु आर इन डिसएडवांटेज पोजिशन एंड दस नॉट इन पोजिशन टू नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट। The court is constitutionally bound to protect the fundamental rights of such disadvantaged people and direct the state to fulfill its constitutional promises. यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 जो है पावर दी है कि अगर कोई भी पिटीशन फाइल्ड होती है बाय द इंटरेस्टेड, किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन के द्वारा, अगर किसी पीपल के वेलफेयर से रिलेटेड हो, ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं, जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा नहीं पा रहे हैं फॉर वट एवर द रीज़न, कि वो बेबी पॉवर्टी के कारण हो सकता है, वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, या फिर उनको अपने लीगल राइट्स का नहीं पता किस तरीके से, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉयलेशन होता है तो किस तरीके से जुडिशरी में जाके अपनी रेमेडी लेनी है, तो वो सब चीज़ें अगर उन्हें नहीं पता तो उनके बिहाफ में अगर कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन इस तरह से अगर पिटीशन फाइल करता है तो हमारे जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है, उन्हें उस पिटीशन को एंटरटेन करना पड़ेगा, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स उन सभी डिसएडवांटेज पीपल का। इसके अलावा हमारी जुडिशरी जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी स्टेट को कि वो भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस हैं, यानी जो भी इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, लॉ मेकिंग में किस तरीके से लॉ बना सकते हैं, सो दैट ये जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं उनको जस्टिस मिल सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल बेसिकली बताता है कि व्हेन द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विज़ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज एंड द फंक्शंस ऑफ द स्टेट आर रेज्ड, द कोर्ट ट्रीट अ लेटर और अ टेलीग्राम एज पीआईएल। इन सच केसेस द कोर्ट रिलैक्सेस द प्रोसीजरल लॉज एंड ऑल्सो द लॉ रिलेटेड टू द प्लीडिंग। यानी कि अगर कोई भी लेटर, कोई भी टेलीग्राम अगर आता है इस पर्टिकुलर इशू से बेस्ड पे जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसा इशू जो कि पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल की बात करता है, ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ अ स्टेट के बारे में बताता है, तो उस पर्टिकुलर लेटर को, उस पर्टिकुलर टेलीग्राम को जो है कोर्ट एक पीआईएल की तरह कंसिडर किया करेगा। और इस केस में जब उसने पीआईएल की तरह से कंसिडर किया है तो वो रिलैक्स कर देगा प्रोसीजर लॉज को, और साथ ही साथ जो भी लॉज होते रिलेटेड टू द प्लीडिंग, किस तरह से प्लीडिंग करनी है, किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना है उस पीआईएल को एंटरटेन करते टाइम पे, उससे रिलेटेड जो भी वो जजमेंट देंगे तो उस प्रोसीजर को कहीं ना कहीं रिलैक्स किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो ऑर्डिनरी लिटिगेशंस होती हैं, दो पार्टीज किस तरीके से आप देख सकते हैं प्रोसीजर फॉलो करती है, अपना एफिडेविट फाइल करेंगी, उसमें अपने जो भी ग्रीवांसेस हैं वो लिखेंगी, जो भी इशूज़ हैं किस पर्टिकुलर केस में किस तरीके से जो है चाहते हैं, उनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका मेन कह सकते हैं जो भी ग्रीवांसेस है वो उस पर इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर मैटर को कहीं ना कहीं वहाँ पे एफिडेविट में मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह के जो सेवरल प्रोसेसेस होते हैं वो ऑर्डिनरी लिटिगेशन में जो देखने को मिलेंगे, वो प्रोसेसर कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाएगा इन केस ऑफ पीआईएल। नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल की बात करते हैं कि व्हेनेवर अ इनजस्टिस इज मेटेड आउट टू बी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल द कोर्ट विल नॉट हेजिटेट टू स्टेप इन टू इन्वोक आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट विच प्रोवाइड फॉर रीजनेबल एंड द फेयर ट्रायल। तो यहाँ पे हम बेसिकली कह सकते हैं कि अगर लार्ज नंबर ऑफ द पीपल सोसाइटी के साथ अगर कोई भी इनजस्टिस हो रहा है तो उस इनजस्टिस को सॉल्व करने के लिए, उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट जो है बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होगा अगर उसको आर्टिकल 14 और 21 को इन्वोक करना पड़े, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की तो बेसिकली यहाँ बोला जाता है कि स्टेट जो है डिनाई नहीं कर सकता या फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, पहला कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि हर पर्सन को जो है लॉ के सामने सब इक्वल है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करता है आर्टिकल 14, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लॉ बनाने का काम हमारे लेजिस्लेचर का होता है और उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम हमारी एग्जीक्यूटिव का होता है, तो दोनों ही ऑर्गन्स अगर इफेक्टिवली अपना काम अच्छे से करेंगे तो हो सकता है कि इस तरीके से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बट अगर जुडिशरी को लगता है कि इस तरीके से हमारे जो दोनों ही ऑर्गन से अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे तो वहाँ पे वो आर्टिकल 14 के तहत जो है उस पीआईएल को एंटरटेन करेगी एंड देन उसके हिसाब से जो भी उनको एक्शन लेना है वो एक्शन लेगी। सिमिलरली आर्टिकल 21 की बात करते हैं जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की।
इस केस में भी अगर मान लो जुडिशरी को लगता है कि किसी भी पर्सन का जो आर्टिकल 21 है वॉयलेट हो रहा है फॉर वट एवर रीज़न, फॉर एग्जांपल हमने देखा था विशाखा गाइडलाइन में कि किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी कि ऐसी वुमेन जो वर्क प्लेस में जो है सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती है तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोटेक्शन उन्हें मिलना चाहिए। तो आज की डेट में भी अगर मान लो कोई ऐसा वर्क प्लेस है, कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ पे लार्ज सेक्शन ऑफ दी वुमेन को जो है इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो उस पर्टिकुलर कह सकते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई PIL डाली है तो हमारा कोर्ट जो है आर्टिकल 21 को इन्वोक करके यानी उन सभी वुमेन्स का जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी है, पर्सनल लिबर्टी है, उस राइट को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर वर्कफोर्स के अगेंस्ट जो एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये जो दो राइट है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे हर एक कह सकते हैं लोगों के यू नो फंडामेंटल राइट्स को पहुँचा सेफ करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो बनाई गई है ह्यूमन राइट्स रिलेटेड उनको भी जो है इन्वोक कर सकता है, और क्यों कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है वो अगेन जो है पावर्स देती हैं जुडिशरी को कि वो अगर इस तरह से अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अथॉरिटी किसी के भी ह्यूमन राइट्स का नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है तो सिंपली इसके थ्रू वो उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उन पर्टिकुलर अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है द कॉमन रूल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड इज रिलैक्स सो एज टू इनेबल द कोर्ट टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस कंप्लेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द पुअर डिप्राइव्ड इलिटरेट एंड द डिसेबल्ड हु कैन नॉट विंडिकेट द लीगल रॉन्ग और लीगल इंजरी कॉज टू देम फॉर वायोलेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट। तो यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर उसे लगता है कि किसी भी पुअर डिप्राइव्ड इलिटरेट या फिर डिसएडवांटेज सेक्शन का जो भी है लीगल राइट वॉयलेट हुआ है, उनके साथ लीगली कुछ रॉन्ग हुआ है, लीगली उन्हें इंजरी हुई है और कॉमनल कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो PIL केस में वो PIL फाइल कर सकते हैं। एंड जो लोकस स्टैंडाई का जो रूल है वो कहीं ना कहीं हमें रिलैक्स देखने को मिलेगा अगेन कि जो पर्टिकुलर पार्टी जो कहीं ना कहीं इफेक्टेड है उस केस में, ज़रूरी नहीं है कि उनको ही केस फाइल करना ज़रूरी है, उनके बिहाफ में कोई और भी जाए तो केस फाइल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि व्हेन द कोर्ट इज़ प्राइमा फेशी सेटिस्फाइड अबाउट वायोलेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द डिसएडवांटेज कैटेगरी इट मेट नॉट अलाउ द स्टेट और गवर्नमेंट फॉर रेजिंग द क्वेश्चन एज टू मेंटेबिलिटी ऑफ द पिटीशन। यानी कि अगर मान लो कोई भी ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वायोलेट हुआ है, क्यों वायोलेट हुआ है, मान लेते हैं सेंटर गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा लॉ लाया जा रहा है जिस पर्टिकुलर लॉ को इम्प्लीमेंट करने से उनके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहीं ना कहीं नुकसान हो रहे हैं, तो उस केस पे उनके बिहाफ में अगर कोई पर्सन PIL फाइल करता है तो जुडिशरी जो है, अगर जुडिशरी को सच में लगता है कि हाँ उन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सच में वॉयलेट हो रहे हैं, तो ये देखने के बाद जुडिशरी जो है PIL के को एंटरटेन करके उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। और इस केस में वो अलाउ बिल्कुल नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती कि जो PIL है कहीं ना कहीं सही नहीं है, उसको बेसिकली सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो किए जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को अलाउ नहीं करेगी जुडिशरी। बस कहीं ना कहीं जो हमारी जो गवर्नमेंट है उनका मेन रीज़न ये रहता है कि भाई हमें जो लॉ, हम जो लॉ लेके आ रहे हैं वो भी तो जनता की भलाई के लिए लेके आ रहे हैं, अगर उस लॉ के लाने से जनता की भलाई हो रही है बट कुछ ऐसे सेक्शन हैं हाँ जिनकी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन राइट वॉयलेट हो रहे हैं, तो उस केस में हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से लास्ट सेक्शन सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। बट अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो सबसे पहले आते हैं, ठीक है, चाहे वो डिसएडवांटेज सेक्शन सोसाइटी के हों या फिर पूरे जितने भी जनता है उनके हों, तो मेन जुडिशरी यहाँ पे अपना रोल प्ले यही करेगी कि वो उन लोगों के जो राइट्स हैं उनको बचाने के लिए उस PIL के अगेंस्ट जो है एक्शन लेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे है कि ऑल्दो द प्रोसीजर लॉज अप्लाई ऑन द PIL केसेस द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा और द प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी देयर टू वुड अप्लाई डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पिटीशन ऑन ऑल्सो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केसेस। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता करना होगा कि रेस जुडिकाटा क्या होता है एंड प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं रेस जुडिकाटा की तो इसका मेन मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो कोई पार्टी है जिसने ऑलरेडी एक केस, एक लिटिगेशन फाइल किया था और उस लिटिगेशन का जो है फाइनल जजमेंट आ चुका है, तो एक बार जैसे ही फाइनल जजमेंट आ गया है तो उसके बाद हम कह सकते हैं उसको रीलिटिगेट करने का मतलब रीलिटिगेट करके फिर से उस केस को ओपन करने का बेसिकली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके,
तो वी कैन से दैट इट प्रिवेंट द सेम मैटर फ्रॉम बीइंग रीलिटिगेटेड बिटवीन द सेम पार्टी एंड इट अप्लाइज व्हेन देर इज बीन अ फाइनल जजमेंट ऑन अ मैटर देन दैट जजमेंट इज नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू अपील. यानी उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर एक बार फाइनल जजमेंट आ गया तो फर्दर अपील करके आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3-4 साल बाद फिर से उस मैटर के ऊपर अपील कर रहे हो, फिर से उसको अपील के थ्रू जो रीओपन करना चाहते हो. तो वो चीज़ें यहाँ पर प्रिवेंट की जाती हैं इन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा. ठीक है, तो एक तरह के लीगल डॉक्ट्रिन है जहाँ पे इस मैटर्स को कहीं ना कहीं प्रिवेंट किया जाता है. अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनालॉगी की तो ये इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ लीगल प्रेसिडेंट्स टू गाइड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. यानी जो पुराने आपके जो लॉज है कहीं ना कहीं उनकी हेल्प भी जाती है इंटरप्रिट करने के लिए लॉ को इन केसेस व्हेन देर इज़ नो क्लियर लीगल रूल और स्टैट्यूट इज देयर. ठीक है, अगर कोई भी क्लियरली वहाँ पे कोई लीगल रूल नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई भी स्टैट्यूट नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है, तब वहाँ पे जो आपके जो पहले के लीगल प्रेसिडेंट्स हैं उनको यूज़ करके वहाँ पे जो है इसको इंटरप्रेट किया जाता है. ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों वर्ड जो है इसका मीनिंग क्लियर होगा. तो यहाँ पे सिंपली बताया जा रहा है कि इन केस ऑफ PIL द एप्लीकेबिलिटी जो है इन प्रिंसिपल्स की डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द पिटीशन, कि पिटीशन का नेचर कैसा है. ठीक है, एंड फैक्ट्स किस तरीके से है, किस सर्कमस्टांसिस के ऊपर जो है केस बेसिकली ये डाला जा रहा है, तो उस सर्कमस्टांसिस को देखा जाएगा, उन फैक्ट्स को पढ़ा जाएगा, देन उस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि क्या जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है वहाँ पे अप्लाई करना है या नहीं करना. फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि PIL है जो इन्वॉल्व करती है मैटर दैट ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अ कोर्ट, मतलब एक ऐसा मैटर है ठीक है जो कि ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है और PIL में वही मैटर आया है, तो उस केस में हम कह सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा में अप्लाई. यानी वहाँ पे जो रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है उसको रिलैक्स कर दिया जाएगा. ठीक है, अगर वो मैटर PIL के तौर पे है इट मीन्स कोई ना कोई कारण होगा, वहाँ पे लार्ज सेक्शन सोसाइटी का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, तो उस बेसिस पे जो है हमारी जो कोर्ट है रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है उसको रिलैक्स करके उस पर्टिकुलर मैटर को जहाँ पे ऑलरेडी फाइनल जजमेंट दिया जा चुका है काफ़ी टाइम पहले, उस मैटर को फिर से जो है PIL के तौर पर वो बेसिकली इंटरटेन करेंगी. एंड बोला जाता है नेक्स्ट, हाउएवर इफ़ द केस इन्वॉल्व्स अ न्यू इशू और अ डिफरेंट सेट ऑफ फैक्ट्स होगा तो द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा मे नॉट बी एप्लीकेबल, वहाँ पे नहीं होगा अगर मान लो कुछ वहाँ पे न्यू रूल्स या फिर न्यू फैक्ट्स वहाँ पे जुड़े हैं तो. सिमिलर द प्रिंसिपल ऑफ एनालॉगी मे बी यूज टू इंटरप्रेट किया जाएगा द लॉस को इन विच वेयर देर इज नो क्लियर लीगल रूल है और स्टैट्यूट है बट इट्स एप्लीकेबिलिटी डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केसेस. यानी मेन चीज़ वही है कहाँ पे इसको अप्लाई किया जाएगा, कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं जुडिशरी के पे डिपेंड करता है. बिकॉज जो पर्टिकुलर जुडिशरी है वो बेसिकली जो भी केसेस है उनके फैक्ट्स को चेक करके, उनके सर्कमस्टांसिस को चेक करके जो है कहीं ना कहीं पता करने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से वहाँ पे इन प्रिंसिपल को रिलैक्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट बोला जा रहा है द डिस्प्यूट बिटवीन द टू वेयरिंग ग्रुप्स प्योरली इन द रियल ऑफ प्राइवेट लॉ वुड नॉट बी अलाउड टू बी एजिटेटेड एज अ PIL. यानी कि हम कह सकते हैं अगर दो पार्टीज़ जो है उनके बीच में डिस्प्यूट है और क्योंकि उनका डिस्प्यूट जो है बेसिकली एक प्राइवेट लॉ पे बेस्ड है तो उस पर्टिकुलर इशू पे आप PIL नहीं डाल सकते. ठीक है, यानी अगर दो पर्सन प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं और उनके पास ऑप्शन है कि वो ऑर्डिनरी लिटिगेशन के प्रोसीजर को फॉलो करके जो है उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी हाई कोर्ट वगैरह हो गया वहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन उनके पास है, तो उस पर्टिकुलर केस में उस प्राइवेट लॉ के बेस पर जो है PIL नहीं फाइल किया जा सकता. नेक्स्ट बोला जा रहा है हाउएवर इन एन अप्रोप्रिएट केस ऑल दो द पिटिशनर माइट हैव मूव्ड द कोर्ट इन हिज प्राइवेट इंटरेस्ट फॉर रीड्रेसल फॉर द पर्सनल ग्रीवांसेस द कोर्ट इन फर्दरेंस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट मे ट्रीट इट नेसेसरी टू इंक्वायरी इन टू द स्टेट अफेयर्स एंड सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस. तो सिंपली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑल दो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अगर कोई भी ऐसा प्राइवेट लॉ का अगर कोई सूट होगा तो उस पर्टिकुलर केस में उसे PIL के तौर पर नहीं सुना जाएगा, बट अगर दो ऐसे पर्सन हैं जो जिनका प्राइवेट इंटरेस्ट है ठीक है, तो प्राइवेट इंटरेस्ट होने के बावजूद भी अगर मान लो कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो जो इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं लार्जर पब्लिक ऑफ द गुड से रिलेटेड है, लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से वो इशू कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो भले ही वो दो पर्सन का केस क्यों ना हो, दो पर्सन का जो है प्राइवेट लॉ क्यों ना हो, प्राइवेट इंटरेस्ट क्यों ना हो, बट अगर उसमें जुडिशरी को लग रहा है कि उसके जजमेंट से अगर बाकी लोगों का भी फायदा हो सकता है तो उसको PIL के तौर पर जो है कहीं ना कहीं जुडिशरी सुन सकती है. ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है द कोर्ट इन स्पेशल सिचुएशन में अपॉइंट कमीशन और अदर बॉडी फॉर द पर्पज टू इन्वेस्टिगेट इन टू द एलिगेशन एंड फाइंडिंग आउट द फैक्ट
इट मे ऑल्सो डायरेक्ट द मैनेजमेंट ऑफ अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन टेकन आउट सच कमीशन, यानी कि ऐसा कमीशन अपॉइंट करना, कोई भी बॉडी अपॉइंट करना जो इन्वेस्टिगेट करे कि भाई जो PIL में जो फैक्ट्स डाले जा रहे हैं, जो सर्कमस्टांसेस उसमें पुट किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं सही है नहीं है, उसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करें। देखो जुडिशरी के पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि वो इन PIL के पीछे का रीज़न खुद से तो फाइंड नहीं कर पाएगी, तो इसलिए क्या करती है, वो कोई कमीशन बिठा सकती है, कोई बॉडी को अपॉइंट कर सकती है जो उन मैटर्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करे, जो फाइंड आउट करने की कोशिश करे कि सच में वहाँ पे लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का इंटरेस्ट जुड़ा भी हुआ है नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं चेक करने का काम उस पर्टिकुलर कमीशन या फिर बॉडी का होगा जिसको अपॉइंट किया गया जुडिशरी के द्वारा। नेक्स्ट है, द कोर्ट विल नॉट ऑर्डिनरी ट्रांसग्रेस इनटू अ पॉलिसी, इट शेल ऑल्सो टेक अटमोस्ट केयर नॉट टू ट्रांसग्रेस इट्स जुरिस्डिक्शन व्हाइल purporting the protect to rights of the people from being violating। तो यहाँ पे आपको बेसिक देखने को मिलेगा कि अगर मान लो जुडिशरी को लगता है, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर लॉ के द्वारा, किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के द्वारा जो है किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो है कहीं ना कहीं राइट जो है यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है, तो उस टाइम पे उस PIL को एंटरटेन करने के लिए, उस PIL के अगेंस्ट, मतलब PIL के बिहाफ में उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के अगेंस्ट जो एक्शन लेने के लिए अगर जुडिशरी को उस पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना पड़े, तो वो इंटरफेरेंस को कहीं ना कहीं लिमिट करने की बात यहाँ पे बोली गई है कि ऑल्दो हम मानते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में कुछ ना कुछ इशू रहा होगा, दैट्स वाई जो है उस पर्टिकुलर PIL उसके बिहाफ में जो है डाली गई है, बट अगर आपको लगता है कि वो पॉलिसी मेकिंग का कुछ इशू है, तो डायरेक्टली आप वहाँ पे जो भी उससे इन्वॉल्व है अथॉरिटी, उनको आप डायरेक्शन दे सकते हैं, लॉ मेकिंग जो करते हैं उनको, उनके पास डायरेक्शन होनी चाहिए किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। मेनली जुडिशरी को जो है लॉ मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करना है, वो कहीं ना कहीं उनको उस लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है, द कोर्ट वुड ऑर्डिनरी नॉट स्टेप आउट द अननोन एरियाज ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द हाई कोर्ट ऑल्दो मे पास एन ऑर्डर टू order of doing complete justice to the parties, it does not have power to akin to article 142 of the constitution of the india। तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि हमारी जो जुडिशरी है यानी यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास अंडर आर्टिकल 142 पावर है कि कोई भी डिग्री या फिर कोई भी जजमेंट वो दिया जाता है तो उसको किस तरीके से थ्रू आउट दी कंट्री आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो पावर कहीं ना कहीं हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उनको मिलती है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट हमारा जो हाई कोर्ट है उनके पास ये पावर नहीं है अंडर आर्टिकल 142 कि वो अपने किसी डिग्री को इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सके पूरे कंट्री में, ठीक है। बट हाई कोर्ट के पास ये है पावर है कि अगर मान लो कोई भी पार्टी उनके पास आई है, कोई भी ग्रीवांसेस लेके आई है, कोई भी केस फाइल किया है, तो उस पार्टी को कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने का काम हमारी हाई कोर्ट के पास है। और जो भी जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारी जो जुडिशरी के पास है, उस जुडिशियल रिव्यू की पावर को जो है एक्सीड नहीं करना है। जुडिशियल रिव्यू की पावर को आप जुडिशियल एक्टिविज्म में मत कन्वर्ट करो, क्योंकि एक बार वो एक्टिविज्म में कन्वर्ट हो गया तो कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस है बिटवीन दी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। और एक बार बैलेंस ब्रेक हो जाएगा तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जैसे कि हमने गाइडलाइंस देखी भी थी जुडिशियल एक्टिविज्म में जब हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पे जो हमारी जुडिशरी है उसने कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर गाइडलाइंस के थ्रू जुडिशरी को जुडिशियल रिस्ट्रेंट रहने के लिए कहा है, जितना हो सके हमें उन्हें लिमिट करना है अपनी इन पावर को, और जुडिशियल रिव्यू की पावर को ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्डिनरली द हाई कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन अ रिट पिटीशन बाय वे ऑफ अपील क्वेश्चनिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी लॉ। तो स्टैट्यूटरी लॉ में पता ही है, अगर मान लो कोई एग्जीक्यूटिव किस तरीके से एक्ट पास करके कोई लेके आता है उसे स्टैट्यूटरी लॉ बेसिकली बोला जाता है। तो अगर मान लो इस तरह का कोई स्टैट्यूट या स्टैट्यूटरी रूल अगर लाया गया है और उस रूल या फिर लॉ की वजह से अगर मान लो किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कोई राइट जो है वॉयलेट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट मान लो एक PIL फाइल होती है हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर PIL फाइल होती है और हाई कोर्ट जो है अपने रिट पिटीशन का यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर रूल जो स्टैट्यूटरी रूल है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने के लिए, वह उसकी वैलिडिटी बेसिकली चेक करने के लिए, ठीक है, बिकॉज वो पावर कहीं ना कहीं जो है हाई कोर्ट के पास दी नहीं है कि वो बेसिकली उस PIL को बेसिकली एंटरटेन करने के लिए कि वो रिट पिटीशन वहाँ पे डाल रहा है, किसके अगेंस्ट डाल रहा है, उस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी रूल के अगेंस्ट जो कि बनाया गया है आपकी जो है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली कितना वैलिड है और किस तरीके से वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के राइट्स को वॉयलेट कर रहा है नहीं कर रहा। तो ऑर्डिनरी केसेस में ऐसा देखा जाता है कि हाई कोर्ट रिट पिटीशन नहीं डाल सकता उस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी रूल के अगेंस्ट, ठीक है। बट अगेन वही बात हो जाती है कि अगर लार्जर सेक्शन सोसाइटी से अगर वो चीज़ जुड़ी हुई है, यानी लार्जर सेक्शन सोसाइटी का अगर राइट वॉयलेट हो रहा है,
ठीक है, वो राइट वायलेट हो रहा है उस पर्टिकुलरली स्टैचूटरी रूल के कारण, तो उस केस में हम कह सकते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कुछ ऐसे रिलैक्स कर दिया जाएगा उस नॉर्म्स को कि तब वहाँ पे हाई कोर्ट अपनी रिट पिटीशन के थ्रू उस पीआईएल को एंटरटेन कर रहा होगा, वहाँ पे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर रहा होगा। बट ऑर्डनरी केसेस में देखने को यही मिलता है कि हाई कोर्ट इस तरीके से रिट पिटीशन इंटरटेन नहीं कर सकता और ना ही उस पर्टिकुलर स्टैचूटरी रूल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स जो है बेसिकली हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब फाइनली जो लास्ट टॉपिक है वो है गाइडलाइंस, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है द पीआईएल हैज़ नाउ कम टू ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट फील्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ, यानी पीआईएल ने एक तरह से कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑक्यूपाई कर ली है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ में, एंड इट शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीआईएल का मेन मतलब था कि आप पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, पब्लिक के कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट रखता है कोई ऐसा इशू उसके लिए काम कर रहे हो, डिसएडवांटेज सेक्शन सोसाइटी को राइट्स उनका हनन हो रहा है तो उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हो, तो वो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो पब्लिसिटी में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। यानी एक पर्सन जो है अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में जो है वो पर्टिकुलर पीआईएल डाल रहा हो, तो वो नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बनना चाहिए, पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बनना चाहिए, मिडिल क्लास इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बनना चाहिए, बिकॉज ये वर्ड्स जो है कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि जो भी पर्सन या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से लिटिगेशन फाइल कर रही है उन पर्टिकुलर पीपल के बिहाफ में, उनका कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए, उनका कोई इसमें पर्सनल फ़ायदा नहीं होना चाहिए, पैसे के लिए वो कुछ ऐसा ना करें, कुछ पब्लिसिटी के लिए ना करें, प्राइवेट इंटरेस्ट के बिहाफ में वो ना करें, ठीक है, मिडिल क्लास का कोई इंटरेस्ट ना हो, तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इसके अंडर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेन यहाँ पे पीआईएल का हमने जैसे भी जानते हैं कि मेन चीज़ क्या है कि लार्जेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए सोसाइटी का उसमें, तब जाके हम उस पीआईएल को इंटरटेन किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। यहाँ पे बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इन दिस कंटेक्स्ट ऑब्जर्व द पीआईएल इज़ नॉट अ पिल और अ पेनाशिया फॉर ऑल दी रॉन्ग्स। ठीक है, जो भी गलती हुआ है उसके लिए मतलब उसको ठीक करने के लिए पिल नहीं है, बट इट वॉज एसेंशली अ मीन टू प्रोटेक्ट करना है द बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ अ वीक एंड डिसएडवांटेज, एंड इट वॉज अ प्रोसीजर विच वॉज इन्वोकेटेड वेयर अ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, यानी ऐसा कोई पर्सन जो कहीं ना कहीं फाइल कर सकता है पिटीशन इन इफेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन हु कैन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी, जो कहीं ना कहीं गरीब है, हेल्पलेस है, इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसेबल है, जो कहीं ना कहीं जो है डायरेक्टली कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते अपनी रिलीफ के लिए। ठीक है, उन वो बेसिकली कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी के लिए जो है कोई पर्सन अगर पीआईएल डालना चाहता है तो उसको इंटरटेन किया जाएगा। ठीक है, देर हैव बीन इन रिसेंट टाइम इंक्रीजिंगली इंस्टांसेस ऑफ अब्यूज़ ऑफ पीआईएल, मतलब बिना फालतू के बिना कोई रीज़न के जो है लोग का जब मन चाहे वो ना पीआईएल डालने लग जाते थे, तो ऐसे इंस्टांसेस बहुत देखने को मिले हैं कि अब्यूज़ ऑफ पीआईएल देखने को मिला है। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू रीएम्फेसाइज करना होगा पैरामीटर्स विद इन विच पीआईएल कैन बी रिजॉर्टेड बाय द पिटिशनर एंटरटेन बाय द कोर्ट, यानी किस बेसिस पे जो है जुडिशरी उस पीआईएल को एंटरटेन करे वो पैरामीटर्स कहीं ना कहीं फिक्स करने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस अब यहाँ पे दी गई हैं कि द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द फॉलोइंग गाइडलाइंस चेकिंग द मिसयूज ऑफ द पीआईएल ना हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सही तरीके से सही इंटरेस्ट के साथ पीआईएल फाइल की जाए। तो सबसे पहली गाइडलाइन बताया गया है कि द कोर्ट मस्ट इंकरेज करेगा जेन्युइन और बोनाफाइड पीआईएल को इफेक्टिवली डिस्चार्ज एंड कर्व द पीआईएल फील्ड ऑफ एक्स्ट्राजिनस कंसिडरेशन, मतलब जो फालतू जो रीज़न है उस बेसिस पर अगर कोई पीआईएल डाल रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे जो है सड़कें सही नहीं बना रही हैं सरकार, या फिर इस पर ये बेसिकली जो सड़क है वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है हमेशा गड्ढा खोद के रख देते हैं, ऑल्दो ये इशू काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट मेन चीज़ वही है ना कि जेन्युइन होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जुडिशरी का जो वर्कलोड है उसको हमें ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। जुडिशरी जिस तरीके से प्रोएक्टिव रोल हमेशा यूज़ करती है जब भी उसको इस तरह से जो पीआईएल होता है उसको एंटरटेन करना होता है, तो प्रोएक्टिव रोल तब तक वो फुलफिल नहीं कर पाएगी अपना उस तरीके से जब तक वो पर्टिकुलर पीआईएल जेन्युइन ना हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोर्ट इस चीज़ को इंकरेज करे कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन अगर पीआईएल डाल रहा है तो उसके पीछे का रीज़न एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, लार्जर सेक्शन सोसाइटी के जो इंटरेस्ट पे भी होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है कि इंस्टेड ऑफ एवरी इंडिविजुअल जस्ट डिवाइजिंग इट्स ओन प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद पीआईएल, अपने हिसाब से वो उस पर्टिकुलर प्रोसीजर बनाएंगे किस तरीके से पीआईएल को डील करना है, इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर ईच हाई कोर्ट फॉर प्रॉपरली फॉर्मुलेट करे रूल्स को फॉर एंकरेजिंग द जेन्युइन पीआईएल फाइल एंड डिस्करेज पीआईएल फाइल विद ऑब्लिक मोटिव। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हर एक जुडिशरी क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे किस हिसाब से उन्हें बेसिकली पीआईएल को एंटरटेन करना है, किस हिसाब से जो है जो जेन्युइन पीआईएल है उनको ही बेसिकली एंकरेज करना है।
और साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि जुडिशरी जो है प्राइमा फेसिया वेरीफाई करेगी क्या क्रेडेंशियल्स है ऑफ द पिटिशनर बिफोर एंटरिंग द पीआईएल, मतलब पीआईएल को कहीं ना कहीं सुनने से पहले एक बार क्रेडेंशियल जाने जरूरी है कोर्ट के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे बोला जा रहा है द कोर्ट शैल बी प्राइमा फेसिया सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द करेक्टनेस एंड कंटेंट ऑफ द पिटिशन बिफोर एंटरिंग द पीआईएल। अगेन पीआईएल को एंटरटेन करने से पहले सबसे पहले ये चेक किया जाएगा वो जो कंटेंट है उस पिटिशन का कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है। यानी कि बात तो वो कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर से कुछ ऐसा इशू हो जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ना रखता हो, बट फिर भी इस इशू को जो है रेज कर दिया गया है किसी पर्सन के द्वारा, तो वो उसकी जो करेक्टनेस है उस कंटेंट की जो करेक्टनेस है वो कहीं ना कहीं चेक किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, तब उसको एंटरटेन किया जाएगा पीआईएल को। नेक्स्ट बोला गया है द कोर्ट शुड बी फुली सेटिस्फाइड विद द सब्सटैंशियल पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व बिफोर एंटरिंग द पिटीशन, मतलब वही एक ही चीज़ है बार बार उस चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से रिपीट किया जा रहा है कि फैक्ट करेक्ट होने चाहिए, जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं सही होना चाहिए, ठीक है। द कोर्ट शुड इंश्योर दैट द पिटीशन विच इन्वॉल्व्स अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ग्रेविटी होनी चाहिए, अर्जेंसी दिखनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। मस्ट बी गिवन द प्रायोरिटी ओवर अदर पिटीशन, तभी वो उस पर्टिकुलर को प्रायरिटी, देखो बहुत सारी पिटीशंस हैं, अब किस पिटीशन को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है वो कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। तो ऐसी पिटीशन जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटी है, बहुत ज़्यादा अर्जेंटली उस मैटर को कहीं ना कहीं सुनना बहुत ज़रूरी है जुडिशरी के लिए, तो उन पिटीशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू द अदर। नेक्स्ट बोला क्या है द कोर्ट बिफोर एंटरिंग द पीआईएल मस्ट इंश्योर दैट द पीआईएल एम एट रिड्यूसल ऑफ जेन्युइन पब्लिक हार्म एंड पब्लिक इंजरी, द कोर्ट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट देर इज़ नो पर्सनल गेन, प्राइवेट मोटिव ऑब्लिक मोटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो जो पीआईएल है उसका मेन मकसद क्या है कि जो भी ग्रीवांसेज हैं पब्लिक के, जो भी हार्म हुआ है पब्लिक को, जो भी पब्लिक इंजरी हुई है, उनसे जो रिड्रेसल है वो कहीं ना कहीं पीआईएल के थ्रू उनको रिड्रेसल करवाना है, रादर देन कि आप कोई अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल मोटिव के लिए पीआईएल को फाइल कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। लास्ट है कि द कोर्ट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट द पिटीशन फाइल्ड बाय द बिजी बॉडी फॉर एक्स्ट्रा विनेस एंड अल्टरवेयर मोटिव मस्ट बी डिस्करेज बाय इम्पोजिंग एग्जेम्पलरी कॉज और अडॉप्टिंग सिमिलर नोवल मैथड्स टू कर्व फ्यूरसर पिटीशंस एंड द पिटीशंस फाइल्ड फॉर एक्स्ट्रा विनेस कंसिडरेशंस। तो यहाँ पे बेसिकली जुडिशरी किस तरीके से कह रहा है कि जहाँ पे जुडिशरी ने बेसिकली बोला है कि अगर मान लो कोई ऐसी पिटीशन आती है जिसका मोटिव जो है जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया उतना मोटिव सीवियर नहीं है, वो कहीं ना कहीं लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जुड़ा हुआ नहीं है, अगर इस तरीके से कोई पीआईएल फाइल करता है तो जिस पर्सन ने पीआईएल फाइल किया उसके अगेंस्ट कोई ना कोई पेनल्टी लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर पेनल्टी नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम पर इस तरह से बहुत से लोग जो है डिफरेंट इशूज़ के ऊपर जो है पीआईएल फाइल करने लग जाएंगे, क्योंकि एक एक पीआईएल को देखो देखने का, उसके पीछे का रीज़न फाइंड करने का कितना बड़ा टाइम वहाँ पे लगता है, और जुडिशरी के पास सच में अभी राइट नाउ इतना टाइम नहीं है और इतने रिसोर्सेज नहीं है जो कहीं ना कहीं वो ऐसी पर्टिकुलर पीआईएल को एंटरटेन करे जो कहीं ना कहीं उस इंपॉर्टेंट मैटर से भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी जो मैटर इंपॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी पे मतलब होना चाहिए जुडिशरी के, ठीक है। तो इस तरह से जो भी पर्सन इस तरह से करता है उसको उसकी उस प्रैक्टिसेस को कर्ब करने की बात की गई है और उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करने की बात की, सो दैट फ्यूचर में कोई भी ऐसा पर्सन इस तरह से रॉन्ग पीआईएल जो है फाइल ना करें, ठीक है। तो ये सारे जो है हमने गाइडलाइंस देख लिए थे रिलेटेड टू द पीआईएल। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को रेज कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारा ये जो टॉपिक है, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो पार्ट थर्ड है इस लक्ष्मीकांत का, जो कि सेंटर गवर्नमेंट से डील करता है, जिसमें हमने डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन से लाइक प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, कैबिनेट कमिटीज़ हो गई, हम एंड प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, देन आपका जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट को हमने देखा, जुडिशियल रिव्यू को देखा, तो ये सारे चैप्टर जो पार्ट थर्ड सेंटर गवर्नमेंट के अंदर है वो कहीं ना कहीं हमने लक्ष्मीकांत की फिनिश कर दिए हैं। नेक्स्ट अब हम जो कल की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं वो है पार्ट फोर, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको ये सीरीज़ अगर पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, लोगों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।